ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਾ कभी कभी भी कभी लगता है कभी कामयाबी नहीं होती दुनियावी कामों में। सरकार आप बैत कहाँ से? असली बैत तो हुजूर पाक से ही है। और दुनियावी तौर पे दुनियावी हुए थे देवल देवश्री की गोड़श्री की तोड़ दी थी। असल में हुजूर पाक से बस पूरा फैज हुआ जिसकी सिलसिला चला ना हुजूर पाक से। बैत का मकसद है अपने आप को बेचना, तो बेचने का मकसद है जो अपने बस में ना हो ये अल्लाह की राह के लिए बिकते हैं, अल्लाह तक हमारी पहुंच हो जाए किसी भी जरिए, हाँ बिक के भी अल्लाह तक हम पहुंच जाए। क्या सरकार अल्लाह ताला बैत के बगैर नहीं मिलता कुरान मजीद से या उन उलूम से जो उलमा के पास मस्जिदों में या शहरों में मौजूद है? उसने एक तरीका रखा हुआ है, कानून बनाया हुआ है, जिस तरह बगैर शोर के भी बच्चा हो सकता है हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बाप नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम ना माँ थी ना बाप थी, हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसने कानून बनाया ना शोर होगा बीवी होगी तब बच्चे पैदे होंगे। इसी तरह अगर चाहे तो बगैर बैत के भी वो पहुंचा सकते हैं और पहुंचाया है उसने, लेकिन उसने ये एक तरीका बनाया है कि सिलसिला इस सिलसिले में दाखिल हो तक मुतमुल तक पहुंचो। नबी है उसको बैत होने की जरूरत नहीं, उसका तल्लक बरह रास्त अल्लाह से होता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने लगे, लेकिन जो वली है ना उनका वो बराह रास्त नहीं है, वो बिल वास्ता है। नबी बिला वास्ता है, वली बिल वास्ता है। नबी यानी डायरेक्ट अल्लाह से नबी मिलता है, वली डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो नबी के जरिए। अच्छा सरकार आपने तंजीम बनाई, आज से पहले कभी सुना नहीं कि किसी वली ने तंजीम बनाई हो, तो आपको इस तंजीम के बनाने की क्या जरूरत पेश है, क्यों का पेश है? मकसद है इससे पहले ये सुना कि वलियों ने तंजीमें नहीं बनाए लेकिन सिलसिले बनाए, खलीफे बनाए, वही चीज़ है ना। वो खलीफे बनाए हमने उहदेदार बना लिए ज़माने के लिहाज से, उन्होंने खलीफा बनाया हमने नाज़िम आला बना लिया, चीज़ वही है। जदीद दौर के हिसाब से इसको भी मॉडर्नाइज किया गया जदीद तरीके से। सरकार इसके अलावा ये इंतजाम कैसे चलता है यहाँ पर, हज़ारों अफराद आके लंगर खाते हैं, बैरून ममालक आपके दौरे होते हैं? लंगर बस अल्लाह ही चलाता है, जो सब असीत लोग हैं और थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं बस। अच्छा सरकार इसके अलावा जिक्र कल्ब का मिशन, ये पहले कभी हमने नहीं सुना, सिर्फ ये सुना था कि सफी सुल्तान बाबू साहब आए थे, गौसे पाक आए थे या कामिलीन जो आए, तो उन्होंने सिर्फ जिक्र कल्ब दिया और सुनते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसका हुसूल नहायत ही मुश्किल है। तो अब आप इस दौलत को इतना आम कर रहे हैं, तो ये पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसकी क्या वजह? वजह अल्लाह का हुक्म है ना,
अल्लाह का हुक्म है, इसको आम करो तभी आम हो रहा है ना। और उसका हुक्म ना हो तो हम भले इसको आम करें तो आम तो नहीं हो सकते ना। उसका हुक्म है तभी आम हो रहा है ना। कर अल्लाह के हुक्म की क्या का क्या सबूत है? सबूत है ना, हम तुम्हें जिक्र देते हैं तो चार दिन अगर अल्लाह ला शुरू हो गया तो उसका हुक्म है ना। क्यों जी, अगर नहीं हुआ तो उसको कोई हुक्म है? सरकार आप बैत भी करते हैं? बैत करें सिलसिला टूट जाता है ना। चाहते हैं कि हर आदमी जो है ना मुस्तफीज हो। अगर बैत करेंगे तो जो लोग बैत होना नहीं चाहते या पहले कहीं से बैत हैं तो वो हमारी तराकब नहीं होंगे ना। हमारा मकसद बला इम्तियाज हर किसी को फैला सके, गैर मुस्लिम भी हैं और उनको भी फैज हो रहा है। और जब इनको फैज हो जाएगा और रोशन ज़मीर हो जाएंगे ना तो खुद ही फिर बैत हो जाएंगे ना। आपकी तालीमत का बुनियादी मरकज क्या है? मकसद ये है कि कल्बों में सफाई हो जाए, दिलों की सफाई हो जाए, नफ्स पाक हो जाए, अल्लाह से रब्ता जुड़े। जब सारे अल्लाह वाले हो जाएंगे ना तो ये फिरके ख़त्म हो जाएंगे ना। अभी अल्लाह वाला दिल से तो कोई नहीं है ना, जुबानों से हैं। जुबान से वो भी मुसलमान है, इराक भी मुसलमान है, ईरान भी मुसलमान, आपस में लड़ते हैं। दिल से तो नहीं है ना। जब दिल इनके एक हो जाएंगे ना मोमन सारे पाई पाई। दिल से जो होता है मोमन होता है, जुबान से होता है मुसलमान होता है ना। सरकार गैर मुस्लिम आपसे किस बात से ज़्यादा मुतासर होते हैं? क्योंकि हिंदू सिख ईसाई ये लोग इतनी जल्दी से मुसलमानों के किसी मजहबी लीडर की तरफ मायल नहीं होते। जब आपकी तरफ वो हो रहे हैं अखबार में भी पढ़ा चला है, सरप्रोच में भी, रिसालों में भी आता रहता है, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये हैं कि हम उनको नहीं कहते कि तलावत करो नमाज पढ़ो, हम उनको कहते हैं पता नहीं तुम सही हो या मुसलमान सही हैं। पता तो किसी को नहीं कौन सही है। तुम अपनी जगह मरे हो मज़हब पे, हम अपनी जगह मरे हैं। अब ये है कि जिसने मज़हब बनाया उससे रब्ता करो। रब्ते का अल्लाह को वो मानते हैं, हम कहते हैं ठीक है अल्लाह करो। फिर उनको बताते हैं कि दिल की धड़कनों से जब अल्लाह होगा तो फिर वो जो नूर बनेगा उस नूर के जरिए तुम्हारा अल्लाह तक रब्ता होगा। फिर जिधर अल्लाह हो देता हूँ वो इस बात को तस्लीम करते हैं। मुसलमान फिर बहस करता है लेकिन हिंदू काफिर वो बहस नहीं करते हैं, कहते हैं बात तो सही है। अगर अल्लाह हो जाए तो हमारा तलक अल्लाह से हो जाएगा, हमें तो अल्लाह चाहिए। तो फिर जिधर अल्लाह होगा उधर हम खुद खुद हो जाएंगे। बस इस छोटी सी बात के ऊपर वो कायल हो जाते हैं। तो तुम्हारे मुसलमान बहुत सी दलीलें मांगते हैं, कुरान की भी हदीस की भी। सरकार गैर मजाहिब मुस्तफीज हुए हैं लेकिन मौलवियों ने आपकी मुखालफत करी, इसकी वजह? यही हज़्ब इख्तिलाफ है शुरू से होता है, शुरू से उलमा और दरवेशों में यही हज़्ब इख्तिलाफ होता है। अच्छा, ये हज़्ब इख्तिलाफ का किरदार जिस तरह जिस तरह गवर्नमेंट में हज़्ब इख्तिलाफ होता है। अगर हज़्ब इख्तिलाफ ना हो तो गवर्नमेंट सही नहीं चल सकती है ना। अगर ये मौलवी ना हो तो सारे वली सुस्ती हो जाए ना। और इनके खौफ से कहते हैं यार ये एतराज़ करेंगे इस बात पे, चलो इस बात पे छोड़ो एतराज़ करेंगे, वरना ये भी सुस्त हो जाएगा। सरकार किस तरह है? जिस तरह एक दरबार है, बाहर लोग खड़े हुए हैं खबरदार खबरदार खबरदार, कुछ चौकीदारी ये अपने खबरदार कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर काम करते हैं ना वो उनकी खबरदार को नहीं देखते हैं ना, वो चुप करके अंदर निकल जाते हैं। इनकी वही खबरदार है वली अंदर चले जाते हैं, ये बार खबरदारी करते रहते हैं। अच्छा, सरकार पाकिस्तान में 72 फिरके हैं, क्या इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से? एक ही तरीका है, अगर सबके दिलों में नूर आ जाए तो इसमें भी अल्लाह उसमें भी अल्लाह। तब अगर दिलों में अल्लाह नहीं है फिर शैतान है, तो शैतान तो बहन भाई को लड़ा देता है, मियाँ बीवी को लड़ा देता है। ये जो लड़ाई है ना ये शैतान कराते हैं ना, तो शैतान तो निकलते ही नहीं, अल्लाह अल्लाह निकलेगा, ये उसको डंडे लगेंगे तब वो निकलेगा ना। इसका यही है सबसे पहले सबक जो है, तुम दुनियावी मदरसों में जासो वहाँ भी अल्लाह की है ना भाई, बच्चों को पहली में पहले अल्लाह ही पढ़ाते हैं ना, तो कुरान पढ़ने लगो तो पहले अल्लाह ही है ना। तो फिर उसका मकसद क्या है? सुल्तान साहब फरमाते हैं अल्लाह से अल्लाह फिर आगे चल, अल्लाह अगर तू कलब से अल्लाह करेगा मोमन बन जाएगा,
زبان سے اللہ کرے گا مسلمان ہو جائے گا، پہلی بنیاد اللہ کی. یہ حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ زہری لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، بچوں کو اللہ بے پڑھاتے ہیں نا، انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن مولوی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کچھ پا نہیں سکتے نا. سرکار کیا آیا اس کی یہی وجوہات ہے کہ الف لام میم چھوڑ دیتے ہیں، کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور اس سے دین کا اہتمام ہوا ہے اور یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، تو کیا آیا الف لام میم کے چھوڑنے کی وجہ سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے؟ ہو گئے نا، جو دل و بھی کثیر ہوں. الف لام میم جو ہے نا وہ نور سے ہدایت ہے، آگے ہر کتاب سے ہدایت ہے. کتاب سے ہدایت ہے مشکل ہے، کتاب سے ہدایت تب ہوتی ہے جب پاک ہو جائے، کتاب اندر اترے تب نہ. اب تم جس طرح کتاب پڑھتے ہو، سیرت کی کتاب پڑھ لی، دنیات پڑھ لی، سیرت پڑھتے ہو نا قرآن، تمہارے اندر تو نہیں قرآن ہی اترتا ہے نا، تو الف لام میم تمہیں پاک کرے گی، تمہارے دل کو صاف کرے گا، اندر نور ہو جائے گا. پھر قرآن خود فرماتا ہو دل المتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو، پاک ہوئے گا پھر تیرے اندر قرآن اترے گا نا. اب تو نہیں، اب جس طرح سکھ نے پڑھ لیا تو نہیں پڑھ لیا، جتنا مرضی پڑھ، نہ تیرے اندر جاتا ہے نہ سکھ کے اندر جاتا، تیرے اندر جائے تو نوری ہو جائے نا، جاتا ہی نہیں. کیونکہ جس طرح دوائی کا تعلق معدے سے ہے، اتنی بھی بہترین دوائی ہو جب تک معدے میں نہیں جائے گی شفا نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن کا تعلق دل سے ہے، جب تک قرآن دل میں نہیں جائے گا ہدایت نہیں ہوگی نا. دل میں اتارنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. سرکار آپ پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک یورپ، مڈل ایسٹ وغیرہ بھی گئے، تو آپ کی جو تعلیمات ہیں کہ ہندوؤں کو، سکھوں کو، غیر مذاہب والوں کو ذکر دے رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ دولت عام کر رہے ہیں، سرکار یہ تو سنا ہے کہ صرف امام مہدی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس کے مطلب حدیث کے مطابق، اس کے مطلب ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم وہی کام کریں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا مرتبہ ہے، شروع سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، ہم یہی کہا گیا یہ کام کرا وہی کام کریں بس، کیونکہ مرتبے کا لالچی نہیں ہے، اس کے حکم کے تابع ہیں. آپ کی تعلیمات سرکار تمام مذاہب والے اور تمام مذہب والے تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، مجوسی نے بھی، یہودی نے بھی، سکھ نے بھی، عیسائی نے بھی، مسلمان نے بھی انکار نہیں کیا. ہاں یہاں انکار نہیں کیا، باہر جا کے اگر جا کے فتنہ ڈالا تو مولوی نے ڈالا، یہاں اس نے بھی گردن ہلائی، جی سمجھے، یہاں مولوی نے بھی گردن ہلائی کہ ٹھیک ہے، لیکن باہر جا کے فتنہ ڈال دی. لیکن اگر علم غلط ہوتا یہاں وہ گردن کیوں ہلاتا؟ آپ کی وہ تعلیمات جس کو سن کر وہ گردن ہلاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ذکر قلب، جب تک قلبوں کی صفائی نہیں، عشق اللہ نہیں، کچھ نہیں، عشق اللہ قلبوں کے بغیر نہیں آتا. عشق محبت کا تعلق دلوں سے ہے، جو تمہارے دل خالی ہیں وہ شیطان ہے، شیطان کو نکالو تاکہ اللہ آئے اور اللہ کی محبت ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا، ان کا رابطہ، کہنے لگا میں نے پوچھا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ہمیں بہت معیوب سا لگتا، خود ہی تو بناتے ہو. کہنا اگر تم کو یہ راز پتہ چل جائے تو تم بھی پوجا کرنا شروع کر دو. وہ راز کیا ہے؟ کہنا لگا اس وقت ہمیں پتہ نہیں لگتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، پتہ نہیں چلتا. حج کیا اگر ہمارا جس کو تم نبی مانتے ہو وہ نبی ہی ہے، اگر تو وہ نبی ہے ہم نے پوجا کری چل پھر تو ٹھیک ہے نا، اگر وہ نبی نہیں تو ہم نے پوجا کری تو شرک ہو گیا نا. یہ کہ ہم نبیوں سے، ہو سکتا وہ نبی ہوں لیکن ہمارے کو یہی شک میں ڈالا گیا گا یہ نبی نہیں ہے، پھر ہم نے کہا کہ اگر اس کی پوجا کری نبی نہیں ہوا تو ہم مشرک ہو گئے نا، اس وجہ سے ہم نے یہ مورتیاں بنا لی نا، اب ہم نے خود ہی بنائی پتھر کی ہیں، پتھر کو تو اس سے ہم مشرک تو نہیں ہوئے. مشرک تو جاندار چیز ہی ہوتے ہیں، یہ تو بے جان. تم نے ولیوں نبیوں کے آگے جھکے، اللہ کے لیے جھکے نا، ہم بھی اللہ کے لیے جھکتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے ہم نے مورتیاں بنا لی ہیں کہ ہم مشرک نہ ہوں. کتنی معقول بات تھی،
ये शुरू से आ रहे थे ना, हुजूर पाक से पहले से आ रहे थे, उस वक्त भी थी, पहले से आ रहे थे। सरकार अखबार में पिछले दिनों जंग अखबार में खबर आई थी कि आसमान पर सिंध के इलाके में एक झंडा देखा गया है, तो सरकार उसकी असल क्या है? ये खुदा ही राज है, खुदा ही जानता है, इनके अपरा में कुछ नहीं बताया गया। अखबार में लिखा है कि लोगों ने मुशाहदात भी किए, कलमा शरीफ वहाँ पे लिखा हुआ राज हुआ, कलमा शरीफ अगर है तो शैतान ही नहीं हो सकता, वो अल्लाह की तरफ से दुनिया को इशारे ही। सरकार आजकल बहुत ज़्यादा ये मुशाहदे में बात आ रही है कि कलमा शरीफ या आयत वगैरह का आसमान के ऊपर लिखा जाना कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों को नजर आया सरकार। वो जो हदीस शरीफ में था ना कि आखिरी ज़माने में हर चीज़ जहर कर दी जाएगी, इसी तरह हर चीज़ जहर हो रही है। सरकार ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब क़यामत का पूछा गया तो उन्होंने कहा जितनी मेरी दो उंगलियाँ करीब हैं इतनी क़यामत करीब है, 1400 साल गुजर गए। सरकार अल्लाह ताला के औलिया कामिलीन भी यही बात करते हैं कि क़यामत बहुत करीब है, वक्त बहुत करीब है, लेकिन सरकार ये क्या आया उनके लिए वक्त बढ़ा दिया जाता है जो कि इतना अरसा गुजरने के बाद मतलब वक्त थोड़ा सा ना देखो वहाँ साल इतने हैं, करोड़ों अरबों खरबों साल हैं, मरने के बाद जो साल मिलेंगे ख़त्म होने वाले साल नहीं, उसके लिए क़यामत तक वो साल क्या ऐसी रखें, मामूली सा अरसा है ना। ये अगर 1000-2000 साल के बाद भी आए तो खरबों करोड़ों सालों के ये क्या ऐसी रखते हैं, ये बहुत नज़दीक ही हैं। रास वाले वक्त का खुशी को बताया नहीं, अगर तुम्हें बता दिया जाए कि तुमको फलां दिन मरना है तुम काम का छोड़ के बैठो, अगर बता दिया जाए कि फलां साल में क़यामत आनी है तो कौन काम करे, छोड़ छाड़ के सारे दुनिया के निज़ाम कैसे चले। इस वजह से अल्लाह ताला ये राज देता नहीं, राज है उसके राज होते। सरकार अखबार में पिछले महीने खबर आई थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर सरकार बारिश तो नूरी होती रहती है सरकार वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर एक हल्का सा बना नूर का, और फिर उस हल्के को काफ़ी लोगों ने देखा वहाँ पर, और फिर वो नूर का जो हल्का था जो गोला था उससे इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है। सरकार ये मुशाहदात होते हैं, इसकी सरकार क्या वजूहत है जो अब आम लोगों को भी नजर आना शुरू हो गई? ये अल्लाह तो है कुरान में क़यामत के दिन अल्लाह की निशानियाँ दिखाई जाएंगी, यानी इसका मकसद है क़यामत आने वाली है, निशानियाँ दिखाई जा रही हैं। सरकार एक दुमदार सितारा जिसके बारे में अखबार में ये बात आई है, 1965 की जंग से पहले देखा गया था, 1965 की जंग हुई, फिर उसके बाद 71 की वार के वक्त भी देखा गया, तो 71 की जंग हुई, सरकार अब 96 में ये दुमदार सितारा देखा गया है, तो क्या ये भी एक तबाही का पेश खेमा साबित हो सकता है? लगता है कि ऐसे लगता है। अच्छा सरकार, तमाम मजाहब वाले कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हम में से होंगे, तमाम फिरकों वाले कहते हैं, लेकिन सरकार ईसाई मजहब के वली जो उनको वली समझते हैं नॉस्ट्रोडेमस जिसने पेशनगोईयां भी की थी, सरकार उन्होंने ये कहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों में थे, तो सही? मेरा आप तो अल्लाह के नज़दीक तो सारे ही किए ना भाई, आपका तू बैठा है या वो बैठा है या वो बैठा, वो ईसाई है वो यहूदी वो शायद सारे अहले किताब होना। अब जो अल्लाह नवाजना चाहेगा किसी को तो अंदर देखेगा तो तू मुसलमान भी काला तो ईसाई भी काला तो यहूदी भी काला, उसके सामने सारे बराबर हो गए ना, तो जिसको जी चाहे नवाज दे यार, तू साफ सुथरा हो अंदर से चमक रहा हो तो तुझे नवाजे ना, वो सारे एक जैसे बैठे जिसको जी चाहे नवाज दे, जिसको जी चाहे, हाँ जिसको नवाज देगा उसको मानना पड़ेगा। हाँ मुसलमानों में आए देखा ईसाइयों में देखा यहूदियों में आए, उसको हाँ किसी मजहब से उसको तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा सरकार, आपकी तसानीफ का मतलब किया दरिया के कल का, उसमें आप फरमा रहे हैं कि ये राज छुपा कर करेंगे क्या, कि आप तो दुनिया पानी है, था इंतजार जिस क़यामत का करीब आनी है, दज्जाल और रज्जाल पैदा हो चुके ये भी एक निशानी है, ज़हूर होने वाला है मेहदी भी यही राज सुल्तानी है, इस बार हमको इशारे हुए होंगे तब का रज्जाल से मुराद मामले भी अलग सुना, दज्जाल से क्या मुराद? दज्जाल तो दज्जाल है, दज्जाल और रज्जाल, रज्जाल ये रज्जाल अरबी में मर्द को कहते हैं, नहीं ये रज्जाल है लगाया वाले तो अच्छा 360 का जंगला होता है वो पहले पुशीदा होता है ना अबू जहल,
पहले नहीं कहते थे ना कि गंगोशी वाले हौस है, अब कहते हैं हौस फलाने कुत्तों पे फला अब्दाल है, अब जहर ये खुफिया रहते थे कोशी का, ये रिजाल ग्रैब में था, ये रिजाल ग्रैब। अच्छा सरकार, इसके अलावा वक्तन फोक्तन अखबारात में आता है कि 99 तक आर्मी जंग होगी, तो आप सरकार क्या फरमाते हैं इस बारे में? इसके अलावा सरकार शाह अब्दुल अजीज दरबार वली गुर्जर सरकार, उन्होंने भी पेशन गोई यही की थी। मकसद है हालात के मुताबिक लग रहा कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी मर्जी अटाल भी सकता है, वो बढ़ा भी सकता है, आगे पीछे कर सकता है। इस वजह से कोई है कादर है, वो कादर है ना, कोई उसका प्यारा उसी के तफैल कहे कि चलो अभी छोड़ दो, इस वजह से कोई हतम ही नहीं कह सकता ऐसा होगा, निशानी जरूर है लेकिन आगे उसकी मर्जी है। सरकार, सैकड़ों लोगों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दावा किया, सरकार असल कौन है, इनकी पहचान क्या है, और क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपना ऐलान खुद करेंगे? नहीं, खुद नहीं करेंगे, लोग पहचान, लोग पहचान, सरकार उनकी पहचान क्या होगी? किस बस उनको वही मोमन पहचान, जिंदर नूर होगा वही नूर को पहचानेंगे, उनका भी मिशन होगा, मिशन होगा नूर, नूर नूर को पहचानेगा, जिन लोगों में नूर होगा वो उनके सामने जाएंगे, बस अंदर अल्लाह तेज पहचान देंगे कोई है, नूर जिक्र कल्ब से है, जिक्र कल्ब से नूर आता है, हाँ जिक्र कल्ब से है, हाँ तुमको कोई वली सीने से लगा नूर बढ़ता जाए, इसको सीने से नूर बढ़ता जाए, नूर के दो तरीके हैं, या सीना में सीना मिलाते हैं, या वो फिर अल्लाह अल्लाह दिल की धड़कन के साथ मिलाते हैं, ये कसवटी है, ये कसवटी है, नमाज से नूर नमाज, नमाज तो बार ही बार अंदर थोड़ी जाती है, अंदर जाए तो नूर है। सरकार, हमने सुना है कि आपकी तस्वीर चांद में आई, सुना है जी, बल्कि पहले तो सुनते थे, आप देखा भी तो सिर्फ हमने नहीं देखा, हजारों ने देखा है उसको, जब लोगों ने देखा है तो उसकी फोटो नहीं आता था कैमरे में, खामोश थे, अब कैमरे में फोटो आना शुरू हो गया, तो फिर हमें तस्लीम करना पड़ता है कि ठीक है आती है, क्यों आती है इसका हम जवाब नहीं दे सकते, ये ले जाते हैं। सरकार, क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस बात से बाखबर है कि चांद में आपकी तस्वीर है? बाखबर है, बाखबर है, लेकिन अभी वो रद्द अमल नहीं कर सकती है जब तक उधर अमेरिका वाला उधर से कोई तस्दीक ना हो। अमेरिका में जो सुना गया है, जो लोग देख रहे हैं वही कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारा, अब चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम को उनको देखा ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई हो नहीं सकता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट अपनी चाहे इसकी तस्दीक कराए, फोटो भी देखे, हम को भी देखे, तो फिर काम मेरा जल्दी हो सकता है, वरना थोड़ा ज़रा अरसा लग जाएगा। सरकार, अगर ये तो बड़ी काबिल फ़ख्र बात है गवर्नमेंट के लिए, तो सरकार इनको अगर तस्दीक हो जाए या इनको कर लेनी चाहिए तो प्रचार करना चाहिए, तो इनको जो इनकी है ना लेबॉरेटरी हैं जो उनको कहें जानों में देखो तस्वीर है किस, और उनको पता तस्वीर है, लेकिन चूंकि उनको बंदा नहीं पता है इस वजह से खामोश है, तुमको बताओ फलाम बंदा जाकर देख, फिर काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वरना होना तो होना, जिसने ऊपर जहर किया उसने जहर दुनिया में करना ही करना, बात काम कर दिया जाए कि फलाम बंदा है, जरा वक्त जल्दी हो जाएगा, वरना अपने वक्त को इसमें यह है कि पाकिस्तान की रिश्वत काफ़ी हो गई, अगर जिस पाकिस्तान का बंदा निकला तो पिछले साल ये आया था, वहाँ उन्होंने मस्कत में देखी थी अमान में, तो उन्होंने कहा था शाह काबूस की तस्वीर, बड़ा प्रचार किया था उन्होंने अमान में। अच्छा, फिर जब कई लोगों ने देखा ना तो फिर उसके साथ मिलती जुलती नहीं थी, फिर उन्होंने कहा नहीं ये शाह काबूस नहीं, ये कोई और, अब चूँकि वो बादशाह था ना, देखो ना अगर बादशाह नमाज पढ़े तो बड़ी बात है ना, तो फिर वो आदमी बड़े तजद पढ़ता, देखो पूछता कोई नहीं। अच्छा सरकार, इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सरकार इतनी शान है, अहदीस में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं, तो सहाबा कराम को शक करता है कि आप भी तो नहीं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, सरकार शरीयत में खामोशी इकरार होता है, इस बारे में आप नहीं
मकसद है, जिस तरह किसी में अल्लाह आ सकता है। सुना फिना अल्लाह, अल्लाह की कोई चीज़, अल्लाह खुद पूरा तो नहीं आता, उसको जुसर तो ही के लिए बोलते हैं। अल्लाह की कोई चीज़ तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगी, जब तुम्हारे जिस्म में दाखिल होगी उस वक्त तुम जो कुछ बोल रहे हो अल्लाह ही बोल रहा है ना। उस वक्त सुल्तान साहब ने इसको अल्लाह ही कहा था, बाजी बुस्तमी रहमतुल्लाह ने उस हालत में कहा कि मेरा झंडा सबसे बुलंद होगा, हजूर पाक से बुलंद होगा। तो बाजी बुस्तमी ये तो नहीं कह सकते ना, वो अल्लाह आया था, अल्लाह ने कहा था। इसी तरह इमाम मेहदी होंगे ना, हजूर पाक तो कोई जुस्सा उनमें दाखिल हो जाएगा ना, उसको फिर फनाफ रसूल कहते हैं। लेकिन जो जिस्म है ना, रूह है ना, एक ही जिस्म की रूह, मतलब है हजूर पाक की रूह भी जिस्म में आ सकती है, जुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मखसूस नहीं है, मखसूस एक जिस्म एक रूह के लिए है। वक्त ही आ सकते हैं, जब आएंगे फनाफ रसूल हो गए, चले गए फनाफ शेख हुए। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुने कि वो यहाँ पे उतारे जाएंगे, तो क्या वो उतारे जाएंगे या वो तवल्लद होकर आएंगे? उतारे जाएंगे जिस तरह ऊपर चले गए किसी ने देखा ही नहीं, इसे नीचे आ जाएंगे देखेंगे नहीं। तो ऊपर जाते किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं है बिल्कुल, इसी तरह नीचे आते भी तो नहीं देखेंगे, आ जाएंगे तो पता चलेगा, फिर उनको मेहदी अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे, वरना उनको कौन मानेगा? अल्लाह खुद आ जाए, कौन मानेगा उसको? पता नहीं कौन किधर आ गया, ईसा अलैहिस्सलाम कौन मानेगा? सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फजीलत की वजह क्या है? क्योंकि जिनको एक जूं काटे तो 70 मकबूल हजों का सवाब मिले, बड़ी अहादीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फजीलत के बारे में, सरकार इसकी वजह क्या है? बस इसकी वजह यही है कि अल्लाह की तस्वीरें हैं, अल्लाह के दाएं तरफ हजूर पाक, बाएं तरफ इमाम मेहदी, उनकी रूह है, उन अल्लाह की सोबत से उन रूहों में इतनी ताकत आ गई है और सोबत से एक दूसरे से मोहब्बत हो गई ना, ये अल्लाह है ना, यहाँ हजूर पाक है रूह मुबारक आके फातिमा तज़हरा है, कसम बस्ती है, फिर गौस पाक है, फिर सुल्तान साहब है, फिर आगे इमाम मेहदी है, इस जगह साथ साथ हजूर पाक और इमाम मेहदी सास की इस दाएँ हैं, वो दाएँ, अब इनकी मोहब्बत इनसे ज़्यादा है, इनकी इनसे ज़्यादा नहीं समझे भाई, वो जो है ना उनका तलक तो हजूर पाक से हो गया, आगे फिर तलक हजूर पाक, ये डायरेक्ट अल्लाह से, और ये पैवस्त हैं हजूर पाक और इमाम मेहदी, इन पैवस्त हैं अल्लाह से, अल्लाह अब जो 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 चीज़ पावस्त है फिर उससे मोहब्बत, अल्लाह को उनसे मोहब्बत है, उनको अल्लाह से मोहब्बत। तो सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब खुदा कहा जाता है, अल्लाह के हबीब, तो क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी फिर वही होंगे अल्लाह के हबीब, वो भी होंगे? तो वली भी अल्लाह के हबीब होते जाते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करे अल्लाह का हबीब हो। सरकार हर दौर में हक के मुकाबले बातिल आया, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में भी बात नहीं बात नहीं आएगी? वो जरूर आएगी, ये तो शर्त है ना, इसके बगैर फिर वो इम्तियाज़ नहीं है। तो एक अंग्रेज़ आया, उसने भर्ती करी ड्राइवरों को, तो बता कितना तजर्बा है, 5 साल कोई एक्सीडेंट किया नहीं, 13-10 साल कोई एक्सीडेंट किया नहीं, 13 मैं कोई 10 साल तजर्बा है, लेकिन 2-3 एक्सीडेंट मुझसे हुए, उनका ये फिट है ये फिट है जिससे एक्सीडेंट हुए, ये जरूरी है ना, जिसे एक्सीडेंट ही नहीं हुए वो ड्राइवर क्या। सही बात। तो इसी तरह मजाहब में जो ना ये जंगे जरूर है, आपको बात का मुकाबला जरूरी है, वरना फिर आपकी कोई शिनाख्त क्या, बात से टकराएगा फिर बातल को मटाएगा तो फिर आपका पता चलेगा ना। सरकार दज्जाल के बारे में बड़ा सुनते आ रहे हैं, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को डराया, तमाम अंबिया-ए-कराम ने अपनी उम्मतों को डराया,
सरकार ये दज्जाल कौन होगा और इसकी पहचान कैसे होगी? सरकार अहदीस में तो है ना कि ये अंधा होगा और काफ के रेस के माथे पर लिखा होगा। सरकार अगर यही बात है तो फिर 70,000 उलमा कैसे उससे बैत हो जाएंगे? नहीं, उस हदीस में ये गधा पे चढ़ जाएगा जी, बिल्कुल ऐसी लेकिन हदीसों में कुछ इशारे हैं ना। अब ये ज़माना गधों का थोड़ी है क्योंकि एक मामूली सा आदमी भी कुछ बेकार रख सकता है ना, तो वो गधे पे क्यों चढ़ जाएगा जब उसकी इतने मानने वाले होंगे। गधे का मतलब है जो शैतान की अपनी हैयत है ना, वो गधे की है, पूरे शैतान के ऊपर वो सवार होगा, सारे शैतानी इलम उसके पास होगा। एक आँख से काना होगा, ये दो इलम है, हक व बातिल, हक के इलम से वो जो ना काना होगा, सिर्फ बातिल का इलम पूरा होगा उसके पास, नारी इलम नूर इलम नहीं होगा। ये काफर तो काफर लिखा नहीं होगा, काफर होगा, काफरीन से होगा, होगा काफर हो जाएगा जो भी, वो भी इमाम मेहदी वो बकायदा ऐलान करेगा इमाम मेहदी। अच्छा, इमाम मेहदी को लोग कहेंगे ये इमाम मेहदी पहचानेंगे, वो कहेगा मैं इमाम मेहदी, लोग उसको भी देखने जाएंगे, उसको भी देखने जाएंगे। फिर जो उसके जिनके दिलों में ज़्यादातर शैतान है ना, बड़ा शैतान उसके हो गए, जिनके दिलों में नूर है वो उधर नहीं ठहरेंगे ना, वो नूर उतर जाएंगे ना। ये तब एक जिक्र कलब बनाए तुम्हारे, थोड़ा सा नूर होता कि मैं भी को पहचान सकूँ, और तुम्हारे पास क्या कसपट्टी है मैं भी को पहचान की, तुम्हारे को पास क्या इलम है उसका अल्लाह से, इस वजह से हासिल करना चाहिए। आप बहुत बड़े आबद हैं, जिस तरह बिलियम बहुत बड़ा आबद था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी मुखालफत कर बैठा तो कुत्ते की शक्ल में दौड़ रखने लगी, और कुत्ता था, कोई नमाज नहीं पढ़ता था, वो उनसे मोहब्बत करता था, वो अंदर गार में चले गए, वो बाहर बैठा रहा, तो वो उसकी शक्ल में बेशक में जाएगा। अब हो सकता है तुम बहुत बड़े आबद जाहिद हो, इमाम मेहदी को पहचान नहीं सके, उनके खिलाफ तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हारी तुम बिलियन बॉल की तरह तुम भी कुत्तों में शामिल हो गए ना। अब तुम बहुत बड़े गुनहगार हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा नूर का कतरा जो इमाम मेहदी को पहचान गया, तो फिर वो चोर जो है ना वो भी कुत्ते बन गए ना। अब उनको जरूरत है ना, फौज की जरूरत है ना, तुम फौज में बड़े बड़े चोर डाकू आएंगे, दिल वाले तो ये होते हैं ना भाई, लड़ने के लिए दिल वाले चोर डाकू ही होता है ना, मौलवी नहीं लड़ सकते। इसलिए चोर डाकू जो है ना गुनहगारों के दिलों में अल्लाह भरा जा रहा है, चल कल इमाम मेहदी का साथ दे सके, पहचाने और साथ दें, तो वो फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो पूरी दुनिया के लिए, पता नहीं किस किस अकवाम से उनको जंगें लड़नी पड़ेंगी, उनको भी जंगजू चाहिए, दिल वाले चाहिए। सरकार औलिया कराम ने सरकार मौलवियों की बड़ी मुखालफत की, गुल्ले शाह साहब ने, बहू साहब ने, सरकार इसके अलावा ये तो औलिया कराम ने छोड़े, सरकार दरिंदे भी इनसे पनाह मांगते हैं, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम वाली मिसाल के, मैं अगर झूठ बोलूँ तो 14वीं सदी के उलमा में से, सरकार इसकी वजह क्या है कि ये लोग बज़ाहिर तो मदरसों में पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, सब कुछ कराते हैं, इसके बावजूद सरकार ये हक से, इनमें से जो लोग तो अपनी असलाह कर लेते हैं अंदर की, वो आलम बामल बन जाते हैं, आलम रब्बान बन जाते हैं, जो असलाह नहीं कर सकते ना अपनी, तो फिर वो दरिंदे बन जाते हैं। अक्सरियत जो है ना अपनी असलाह नहीं करती, सिर्फ जहर इलम तक महदूद रहती है, नफ्सों कलमों की तरफ जाती है। इलम कितने इलम पे तीन किस्म का है, मुझे जबान का इलम है, दिल का इलम है, आँखों का इलम है। मतलब ये कि शरीयत जो है ना, तरीकत मार्फत हकीकत, ये जुदा जुदा जुदा, शरीयत का तलक जबान से है, तरीकत का तलक दिल से है, हकीकत का तलक आँखों से। फिर ये उलमाए कराम तो तमाम को एक शरीयत के अंदर समझते हैं कि नहीं, तभी सुल्तान साहब ने कहा डाकू है अल्लाह के रास्ते बताए ना कि शरीयत के आगे और इलम है। दाता साहब ख्वाजा साहब क्यों गए थे जंगल में, तो दूसरा इलम था ना शरीयत, शरीयत के आगे इलम था ना, वरना शरीयत तो शहरों में होती है, मदरसों में होती है, वो जंगलों में क्यों गए? ये उस इलम की जब नफी करते हैं ना, अब नफी के लिए जरूरी है कि जिसके पास इलम है
उसकी नफी करें। फिर जब उसकी नफी करते हैं, उसको तो अल्लाह ने भेजा हुआ होता है, जब उसकी नफी करते हैं ना तो ये रांधे दरगाह हो जाते। और अगर कहें कि सही अल्लाह ने भेजा वली है तो लोग उधर चले जाए, फिर इनका क्या अपनी रोटी जाती, अपनी रोटियां जाती हैं। अच्छा सरकार, अब बात ये जो गद्दी नशीन है सरकार, इनके मुतल्लिक जाली पीर जो बने हुए हैं सरकार, जो होता है ना सरकार, हजारों लाखों लोग सरकार इस तरफ फंसे हुए सरकार, इनकी निशानी क्या, अल्लाह की कामिल वली की निशानी क्या है? मतलब निशानी यही है ना, तो चोर को चोर जब पहचानता है, वली को वली पहचानता है। तुम्हारे अंदर नूर नूर होगा ना तो नूर नूर को पहचानेगा ना। अगर एक चोर उधर बैठाओ, एक उधर बैठाओ, नजरें टकराती हैं, एक वली उधर एक वली उधर, दिल टकराते हैं। नूर है तब, वरना नूर नहीं है तो तुम्हारे पास पहचान ही नहीं है ना। अब रहा सवाल, ठीक है तुमने उसको पकड़ लिया, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे पास पहचान नहीं है, लेकिन जिसका बच्चा ना वाकफ था, घड़े में गया, गिर गया, जख्मी तो हुआ नहीं, उसको कसूर तो नहीं था, उसको पता नहीं था, जख्मी तो हुआ नहीं। अब जरूरी है कि जो वली होता है वो गैप कर सके। अब वली के लिए जरूरी है, वली का मतलब अल्लाह का दोस्त, तो जिससे दोस्ती है उसको देखता हो, बातें करता हो, वो वली अल्लाह वो गैप कर सकता। अगर इसके बगैर बैत करता है ना तो कुफर के नजदीक। रास वाला आपने बैत करी अल्लाह के लिए करी ना, रोटी तुमको ऐसी मिल रही है ना, अल्लाह के लिए करी ना। अब देखना है दो चार पाँच छः साल बैत को हो गए तो मेरे अंदर भी कोई गाड़ी चली है जब नहीं, अगर नहीं चली तो बेकार है। सरकार इनसे बचाव का तरीका क्या है? लाखों लोग सरकार फंसे हुए हैं, इनसे बचाव का यही तरीका है, बस अपने आप को पहले मुनाफा करे तब इनसे बच सकेगा, पहचान सकेगा। कल भी बगैर ना होंगे तो जैसा वो भी अंधा था ये भी अंधा, बस दोनों अंधे। किसी की मैं रोशनी हो ना कि सड़क पे चला जाएगा, फिर जब रोशनी आएगी तो उसको छोड़ के दूसरी तरफ निकल जाएगा जैसा रोशनी है। वो इसी लोग अंधे हो गए, सारे मिलावट ज्यादा हो गई, लोग अंधे हो गए, पसवट्टी बनाई जा रही है। सरकार आपके साथ अंजुमन सरफरोशान इस्लाम में देखा है कि अक्सरियत नौजवान तबका है, वो नौजवानों में दिल ताज़ा होता है ना, जिंदा होता है ना, वो कबूल कर दे लेते ना। तो बीमार आदमी या बूढ़ा आदमी वो तो घी भी नहीं खा सकता दस बजे तक नौजवान ये जो दिन अल्लाह का कबूल कर लेते हैं, उनमें तो जंग लंग लंग के दिल दिल भी खत्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह क्या करेगा उनका दिल? ये जरूर कहेंगे हाँ ठीक है सही है, लेकिन खुद नहीं कर सकते, जब कर नहीं सकेंगे साथ क्या लगेगा। सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे वो इस जमीन के लिए नासूर के लिए होंगे या दूसरे सियारों में भी जो मखलूकात आबाद हैं उनके लिए सरकार इस दौर में जो दूसरे सियारों में मखलूकात आबाद हैं सरकार, क्या वो भी रूहानियत से सरशार हैं या उनको भी रूहानियत की तालीम दी जा रही है? जी वहाँ भी रूहानियत है, मरीख की मखलूक आती है, सुल्तान साहब के जुस्से उसको तालीम देते हैं अफ्रीका के जंगलों में। और दूसरा सबूत ये है, एक कोई जाम में गया था, उसने आवाज़ सुनी थी ऊपर आजान की, मुसलमान हो गए, इसका मतलब है ऊपर आजानें होती हैं। अच्छा सरकार, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे उलमा पर बनी इसराइल के नबी भी रश करेंगे, और ये उनकी माने में सरकार क्या ये उलमा नहीं नहीं उन्होंने बात तो करके ये नहीं वो उलमा रुबानी जिस तरह दाता साहब ख्वाजा साहब ये लोग हैं ये आलम रुबानी कौश पाक ऐसे लोग हैं। सरकार कामिल मुर्शिद कौन है जो रब तक पहुँचा दे? मुर्शिद पकड़ने रब के लिए है, रब तक पहुँचा दे काम है। तो जो लोग कहते हैं मुर्शिद पकड़ कर बार में तो वो बच्चे हों ये हों ये अल्लाह के लिए पकड़ना,
मुर्शिद अल्लाह की। सरकार क्या इस जिंदगी में इस दुनिया में मुमकिन है कि अल्लाह का दीदार हो सके? होता है ना लोग इसको चाहता होता है। सरकार क्या तरीके हमने सामने होता है मुजस्म बन के आता है या नहीं? हमने सामने होता है तो आप उसको टटोल तो नहीं सकते ना, देख देख सकते हैं उसको आज दिखता है मुजस्म ही दिखता है उसको। अच्छा सरकार बड़ा कोई मुनकर दीदार का तो वो गलत है, वो जिसको चाहे जब चाहे जिसको चाहता है उसको वो तरीका भी बता देता है इस तरीके से आप, तो जिसको नहीं चाहता है वो हर तरीके करता है उस रस्ते पर जा ही नहीं सकते, रस्ते में फिसलता रहता है। सरकार एक सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है सरकार, औलिया कराम सरकार इसकी बहुत तब्दील करते हैं, सरकार अल्लाह के दीन की बात करते हैं कि अल्लाह का दीन तो इश्क है, सरकार ये इश्क है क्या और अल्लाह का दीन इश्क है सरकार इसकी हकीकत क्या, ये इश्क आता क्या इस बारे में? अल्लाह का दीन इश्क है ना, अल्लाह नमाजें वाले नहीं पढ़ता ना, हजूर पाक के आशिक हुआ, हजूर पाक अल्लाह के आशिक हुए, वो वही इश्क बन गए। अब तुम्हारे अंदर कैसे आएगा हर वक्त अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगी ना, तो वो अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब देखो ना दुनिया की मोहब्बत है तो तुम दुनिया की मोहब्बत बीवी बच्चों की मोहब्बत तुम्हारे पे गालिब है, उनकी वजह से तुम जंगलों में नहीं जा सकते, अल्लाह के लिए नहीं जा सकते, मिले तो यही मिले। तो जिन लोगों को अल्लाह देखता है ना उनमें अल्लाह का इश्क आ जाता है ना, तो फिर वो अल्लाह की खातिर बाल बच्चों को तरजीह नहीं देते तो जंगलों में चले जाते हैं ना, ये समझे। जब नफसानी इश्क ऐसा होता है कि एक औरत के लिए सारी रात आदमी जागता रहता है, खड़ा रहता है इंतजार में, नफसानी इश्क है। अगर रूहानी इश्क पैदा हो जाए अल्लाह के लिए वो तो सारी उम्र जंगलों में खड़ा रहेगा ना, वो मनजानब अल्लाह होता है अता जिसको चाहते हैं, पहले अता होता है तो फिर अल्लाह अल्लाह से वो बढ़ते हैं, उसकी मंजिलदारी होती है। अगर अता ही ना हो तो घर बार छोड़ कैसे जाए, पहले वो किसी बंदे को देखता है जिसको चाहता है, उसमें तड़प पैदा करता है, फिर वो बंदा उसके लिए जंगलों में चला जाता है, फिर उसकी मुनाजिर तय कराता है। आज के दौर में भी ये तरीका रायज है कि जंगलों की तरफ जाया जाए या नहीं? जंगलों में जाने वाला था कौन ही ना आज के दौर में, इस वजह से गर्म ही दे रहा है, गर्म ही नवाज रहा है, मकसद तो आम खाने से, मकसद तो आम खाने से गर्म ही दे रहा है। चलो सरकार अकरम आवान का इंटरव्यू अखबार में छपा था, इसी विजिलेंट इंग्लिश मैगजीन में छपा था, सरकार वो जो है ना वो भी सरकार इस चीज़ ये कहते हैं कि हम भी रूहानियत का दर्द देते हैं, उनके भी लताइफ का क्या सरकार देते हैं, तो सरकार बात करने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ताला का पैगाम के इश्क हासिल करो और हम इश्क के मुतालिक लोगों को बताते हैं, तो क्या सरकार अल्लाह के जो वली होते हैं वो खाली लोगों को बताते हैं कि इश्क ऐसा होता है क्या ऐसा होता है, या अमली मुतारा उसका करवाते हैं? बताना तो नहीं है, वो दुआई का पता बताने वाला और होता है, दुआई देने वाला और होता है, दवाई का कोई पता बता सकता है फलां जगह पर दवाई मिली ये तासीर है, लेकिन जिसके पास दवाई होगी बात उसी की है ना, तर काली साहब ही बताते हैं लोगों को, अखर मेहमान और भी कई लोग बताते हैं ना। तो सरकार एक शेर है अल्लामा इकबाल का, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान है, सही है, तो मर्द मुसलमान भी काफिर होते हैं, सही है, तेरे अंदर इश्क आ जाए अल्लाह का इश्क आ जाए, अभी हिंदू जिनको जिक्र देते हैं अल्लाह करते हैं अल्लाह का इश्क आ रहा है, अब इश्क आ गया उस इश्क के अंदर उनका मन साफ हो गया ना, तू दीन वाला मुसलमान है तेरा मन साफ नहीं उसका मन साफ हो गया, तू यह फिर करता वो यह फिर करता वो बेहतर है तू बेहतर है क्यों जी, वो ही है ना, अगर ये नहीं है तो तू वो मुसलमान हो गया, फिर तू काफिर हो गया, तो उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर दिया, तू अल्लाह से दूर है, तो अल्लाह से दूर काफिर ही होते हैं, मुसलमान नजदीक हो तो वो मुसलमान वो नजदीक हो गए। सरकार इस्लाम आया एक गारंटीड मजहब है,
इसकी गारंटी है, क्योंकि उलमाए कराम गारंटी नहीं देते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना भी चाहे तो वो तमाम शराय पूरी करने के लिए तैयार। इस्लाम मुसलमान मुसलमान की गारंटी नहीं है, मोमन की गारंटी है। मुसलमान की गारंटी नहीं है, मोमन गारंटी है। मोमन की तशरी है, मोमन कौन होता है? जी, जिसके दिल में नूर आ जाए वो मोमन है, वो गारंटी है। सूरह हिजरात में अच्छा सरकार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि वो उम्मत कैसे तबाह होगी कि जिसके पहले मैं, दरमियान में मेहदी अलैहि सलाम और आखिर में ईसा अलैहि सलाम। सरकार क्या आया है इसे? वो उम्मत कैसे तबाह होगी? तबाह होगी जिसके आगाज में मैं हूँ, दरमियान में मेहदी अलैहि सलाम हूँ और आखिर में ईसा अलैहि सलाम। वो इस तरह होता था ना जी, आपसे पहले जी बहुत सी उम्मतें तबाह हुई, हत्ता कि उनकी सूरतें तल गई, वो बता दें कोई बांदर बन गए, कोई हंजीर बन गए जी, लेकिन आपकी वजह से जी कोई उम्मत जो है ना वो इस तरह शक्ल तब्दील नहीं हुई। भले कितनी बड़ी गुनहगार है वो इंसान ही रहेंगे, तब आप पूरे मुख्तलिफ आलमी का सरकार। एक सवाल और कि नमाज तो मेराज के बाद सरकार कर रही है, तो सरकार नमाज तो थी नहीं जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे थे, सरकार वो कौन सी नमाज अंबिया कराम को पढ़ाई थी? जब नमाज फर्ज थी, नमाज थी वो तुम्हारे लिए नमाज थी, वो तो जो नापाक लोग हैं ना ये उनके लिए नमाज होती है नीचे, जो पाक हो चुके हैं ना उनकी नमाजें तो पहले से थी। वो नूहों की नमाजें थी, वो जो शुरू से चली आ रही है, और ये जो नमाजें मिली थी ये उम्मत के लिए मिली थी। सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की उम्मत की बड़ी फजीलत बयान की गई है, सरकार इसकी क्या वजूहत है? उम्मत में जाती नूर होता है, उनके नबियों में सिफाती नूर था, इनकी उम्मतियों में जाती नूर है, तब फजीलत है ना। उनके नबी दीदार नहीं कर सकते, इनकी उम्मत की दीदार करते हैं ना। उम्मत की कहा गया, सुन्नी शिया की नहीं कहा गया, उम्मत की। उम्मत वो जिसमें नूर होगा उसकी फजीलत है, जिसमें नूर नहीं उसको कोई फजीलत नहीं, जानवर है वो। सरकार राबिया बसरी के बारे में कहा जाता है कि उनका तवाफ काबा करता था, क्या कोई इंसान इतना मुकाम पा सकता है? ऐसे भी आगे निकल जाता उनका आधा मकाम था, तो जिनका पूरा मकाम होगा उनकी क्या हालत होगी? तो आधे मकाम में थी, आधी कलंदर बोलते हैं। कब आया ना ईंटों वाले, कब आया अल्लाह का दीदार तो नहीं कर सकते ना, किससे आगे अल्लाह का दीदार करते हैं? वो काबा उखड़ के अपनी जगह से है, असली काबा वही काबा, जिस तरह तख्ते बलकीस आया उठा के लाए गए ना, इसी तरह वो काबा उठा के लेकर। सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मूटू का प्लान कर मूटू के मरने से पहले मर जाओ, सरकार इसका क्या मकसद है? इसका मकसद शार्ट यही है, जो शरीयत अमली है जी, वो मरने के बाद अगर कोई पाक साफ है ना, गली है ना जी, तो मरने के बाद तो ये वो जमात हासिल होती है, वो जो हुजूर पाक बैतुल मक़द्दस में नमाज पढ़ाई थी। लेकिन मरने के बाद होगी ना, अगर तू मरने से पहले ही मर गया जी, तू अपनी रूह को मरने से पहले उस काबिल कर ले, वहां पहुंचा दे, तो मरने से पहले तू वहां पहुंच जाएगा। ये वली वली मरने से पहले ही मर जाती, वली मरने से पहले। अब तू मरने के बाद जाएगा ना बहशत में गया, तो वो मरने से पहले चले जाएगा, वो तैर शहर करते हैं बहशत को। अगर सरकार इंसानी दिल को बड़ी मरतबी हैसियत हासिल है, सरकार इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी में भी और बातनी ज़िंदगी में भी तसव्वुफ में भी, सरकार ये दिल से क्या मुराद, गोश्त का लोथड़ा ही है या ये नहीं? गोश्त का लोथड़ा जानवरों में भी होता है जी, वो मखलूक है, दिल और है जी। दिल को अरबी में फवाद कहते हैं, गोश्त के लोथड़े को फवाद कहते हैं, और वो जो मखलूक है उसको खलक कहते हैं।
فضیلت اس مخلوق, وہ مخلوق یہ جو زبان ہے اس کے پیچھے بھی مخلوق ہے, وہ مخلوق اس کے ذریعے بولتی ہے. اگر وہ مخلوق نہیں گونگا, وہ گوشت کا لوتھا وہ بھی قلب کے ذریعے بولتا ہے, اگر قلب نہیں اس کو بھی کہتے ہیں گونگا, دل کا گونگا. اس مخلوق ہے, اس کا تعلق ملکوت سے ہے جہاں فرشتے ہوتے ہیں, وہ فرشتوں سے یہاں اس کو ڈالا گیا. یہ تمہارے اندر فرشتہ ہے, جو تم نیکی کی ترغیب دیتا ہے نا, یہ دل دیتا ہے نا تم کو, فرشتہ دیتا ہے نا, ورنہ گوشت کیا تم کو کہے. اب وہ نیکی تم کو ترغیب دیتا ہے, وہ دوسرا شیطان ہے وہ بدی کی ترغیب دیتا ہے. پھر جب یہ شیطان پاک ہو جاتا ہے پھر یہ بدی کی ترغیب بند کر دیتا ہے, تو پھر جب یہ منور ہو جاتا ہے تو پھر یہ نیکی لیتا ہے. پھر اس وقت اس کا سوچنے وہ عبادت آپ تو کرے گا نا, عمل تب لکھا جائے گا نا, تو پھر تو نے سوچا تو لکھا گیا نا. سرکار نماز کی حقیقت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بالذکر. نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کوئی تحفے بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لیے, جسے تم درباروں میں پھول چڑھاتے ہو, درباروں لکھاتے تو نہیں ہیں, تحفہ ہے. اسی طرح اللہ کو یہ تحفے ہیں کہ ہم کو یاد, ہم اس کو یاد رہیں وہ ہمیں یاد رہیں. اب وہ تحفے جاتے ہیں اس کے ذریعے, دل کے ذریعے. اگر دل میں تمہارا منور نہیں ہے نا, تو پھر تمہارے یہیں پر وہ پھر جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ رابطہ صرف دل کے ذریعے, دل کے ذریعے, یہ ٹیلیفون ہے بس. اور یہ امت بھی فرقوں سے اسی صورت میں نکل سکتی ہے جب دل کے اندر, دل میں اللہ ہے, سارے اللہ والے ہو گئے. دل میں اللہ نہیں ہے, سارے شیطان ہے, سارے شیطانے ہو گئے. تو شیطان لڑتے نہیں دوسرے سے. کر تبلیغ کا حق کس کو ہے؟ تمام مذاہب والے فرقوں والے تبلیغ کا ہے, جن کے نفس پاک ہو چکے ان سے پھر فرقے نہیں بنیں گے, فتنہ نہیں پیدا ہوگا نا. اس کے بغیر فرقے ہیں فتنہ ہے نا. ولیوں کی تعلیم میں جو ہے نا, مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ کر لیتے ہیں نا, اور یہ تو مسلمانوں کو بھی کافر اور منافق کرنا شروع کر دیتے ہیں نفس کی وجہ سے. سرکار علماء کرام کہتے ہیں کہ سیاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں, سیاست وغیرہ انہوں نے کو نہیں کری, یہ سوچ سمجھ کے انہوں نے کام کیا, سوچ بوجھ سے کام کیا, اس کو یہ سیاست کہتے ہیں. چلو یہ سوچ بوجھ کے کام کریں لیکن ہیرا خرید نہ کریں نا سیاست میں. صبح بے نظیر کافر, شام کو کہتے ہیں ہم نہیں کافر. دوسرا یہ انصاف کریں, انصاف نہیں کرتے. حضور پاک نے انصاف کیا, مسلمان اور یہودی, یہودی کی حق میں دے دیا فیصلہ, یہ تو اصل نہیں کرتے. پھر انصاف کریں, حق کریں, حق کی جو بات کہہ دی کہہ دی, بس گردن جاتی ہے جانے نہیں, پھر کہیں گے ٹھیک ہے یہ سیاست ہے. یعنی یہ وہ سیاست نہیں ہے, یہ ابو جہل والی سیاست ہے. ان کی سیاست ابو جہل والی ہے, حضور پاک کر دیں. علماء اکٹھے ہوئے ہیں کچھ نے کہتے کون سے دنوں میں بنائی ہے ہر بٹر فیٹوں کے جتنے بھی انہوں نے کہا تھا ہم آپس میں اتحاد کریں گے. آپس میں اتحاد کرسی کے لیے اور مذہب میں, مذہبی اتحاد ہوگا, مذہب کا اتحاد کریں سارے ایک ہوتے ہیں تب تک ہیں, یہ کرسی کے لیے بے نظیر کو ہٹانے کے لیے. اچھا ان کا یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے سارے اکٹھے ہو جاؤ اس کو ہٹاؤ بس, مذہب کے لیے ہو تب کہیں. کیوں میرے بھی ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, ان کا کام ہے نمازیں پڑھانا, یہ ادھر لگ گیا سیاست میں لگ گیا, تو کرسی کیوں ملے گی؟ اللہ ہی نہیں چاہتا. دوسرا یہ کرسیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ اللہ نے ولیوں کو سپرد کری ہوتی ہیں, 360 ولی ہوتا ہے وہ دستخط کرتے ہیں جس کے لیے اسے کرسی ملتی ہے. یہ تو 360 کے خلاف ہے, ان کی حمایت کون کرے گا ولی؟ یہ سمجھے ولی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کرسی ملے. کرسی مل گئی تو سب سے پہلے ولیوں کو چن چن کے ماریں گے نا, ان کے رستے میں رکاوٹ تو یہی ہے. جس طرح بے نظیر کے رستے میں رکاوٹ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ہے, بم کر رہی ہے, ڈک رہی ہے, جو کچھ کر رہے ہیں نا, اسی طرح مولویوں کے رستے میں رکاوٹ یہ ولی ہے. جہاں سنیں گے ولی مارو اس کو, رستے ہی صاف کرو ان کو.
جب کوئی ولیوں کے ذریعے حکومت بنتی ہے تو پھر ان کی مرضی کے خلاف کیسے آ سکتے ہیں؟ ولی چاہ لیتے ہیں, کسی شرابی کو چاہ لیتے ہیں, اس سے ولیوں کا خطرہ نہیں, بلکہ شرابی جا کے جھکتا ہے نا ولیوں کی چوکھٹ پہ. عورت کو چاہ لیا ولیوں نے, اور سے خطرہ نہیں ہے, وہ بھی ان کا آگے جا کے جھکتی ہے نا, تو مولوی کو نہیں چاہ, مولوی نہیں جھکے گا ولی کے آگے, پھر جھکے گا بڑا ولی میں ہے. واقعی میں جھکاؤ کا آنسر نہیں پایا جاتا. سرکار آپ کی اس بات کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اعظم طارق کا بیان پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا, یہ 4-5 مہینے پہلے, کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا. سرکار اس قسم کے بیانات آتے رہتے ہیں. سرکار کیا, اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کیا وہ ایسے جب جانتے ہیں کہ امام مہدی ایک اللہ کا ولی ہوگا, پر یہ کہنا کہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دے گا, اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوں, یہ ہے کہ نفس اتنے خراب ہو چکے ہیں. اب حدیث تھی ان کی فضیلت بیان کر رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں ٹانگیں توڑ دوں گا, اگر دجال میں سے ہوا نہیں. سرکار سنا ہے کہ دجال کے پاس پوری شیطانی قوت ہوگی, امام مہدی علیہ السلام کے پاس رحمان رحمان کا ظہور ہوگا. سوال تمہارے ختم ہو گیا آپ؟ یہ کافی بولنے کے لیے. اچھا اچھا چلو ٹھیک, نمائندہ ہے ہاں, ذکر لے لیں, باقی یہ نمائندگی بھی ادھر رہے گی, جہاں بھی ادھر رہے گی, یہ اللہ اللہ ادھر جائے گا. صحیح ہے, آنکھیں بند کریں, پڑھے اللہ اللہ اللہ, بس وہ بھی بس لگے رہے ہمیں اللہ اللہ میں لگے بوزو نا, پنڈی سے یہاں اسی طرح آئے نا, جائیں گے اسی طرح, اگر اللہ اللہ ہو رہا ہو, آتے میں 10-12 دفعہ, جاتے میں 10-12, آتے جاتے میں 10-12 دفعہ اللہ اللہ ہو گیا. نہیں وضو ہو نہ ہو تو نہیں, دل کا وضو پانی سے کیسے دیں گے, یہ تو اندر ہے, وہ زبان کا جو ہوتا ہے نا اس میں وضو ہے, اس میں جسم بھی, یہ تو اندر ہے. بغیر وضو نہیں لگا دل ہی دل میں اللہ اوپر, سونے لگے اللہ اوپر تو پٹے سو جائے, اسی میں نیند آ جائے. اصل یہ ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ملے, اس کے لیے بھلے دوڑیں تو بھلے کبڈی کھیلیں تو بھلے ضربیں لگائیں, جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو اس کے ساتھ اللہ ملے, تو دھڑکنے اس سے کہتے ہیں ٹک 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 ٹک, تو جب ان کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے نا, تو اللہ اللہ کا جو رگڑا لگتا ہے نا, اس رگڑے سے پھر نور بنتا ہے نا, وہ نور پھر خون میں جاتا ہے نا. تو اس وقت تک تمہیں اللہ اللہ کرنا پڑے گی جب تک وہ نور تمہاری روح تک نہیں جاتا, جب روح تک جائے گا نا پھر روح اللہ اللہ کرے گی, تم سوتے رہنا وہ اپنے اللہ اللہ کرتے. پھر آپ نے سارے کام کاری کرنا, شادی کرنا, بچے ہوں گے, کاروبار کرنا, سب کچھ کرنا, لیکن وہ روح اپنے اللہ اللہ کرتے. وہ قرآن میں ایک جگہ ہے, اٹھتے بیٹھتے عطا کروٹے لے میرا ذکر کا خیر و فرو میں غافل نہ رہا, تو تمہیں نہیں کہا. آدمی سوچتا ہے یار اللہ تعالیٰ کہتا ہر وقت کر, میں ہر وقت کیسے کروں, میرے بچے بھی ہیں, پیٹ بھی ہے, کام بھی کروں گا, پھر سوؤں گا, تو اللہ تو کہتا ہے کہ سوتے میں بھی کہا, تجھے نہیں کہا, تو کام کرتا ہے, سو ایک دفعہ اس کو جگا لے, وہ جو تیرے اندر انسان رہتا ہے, تو کام کاج کرے گا وہ اللہ اللہ کرے گا نا, تو سوئے گا وہ اللہ اللہ کرے گا, ایک دفعہ تو اس کو جگا لے. ایک حالت پھر یہ آتی ہے کہ آدمی ناپاک ہوتا ہے, کہتا ہے یار ناپاک ہوں میں, اللہ اللہ نہ کروں, اندر سے آواز کرتا ہے کہ تو ناپاک ہے میں ناپاک ہوں, پھر وہی جہاں اللہ اللہ, پھر اس وہ روح ہے مخلوق ہے, پھر اللہ اللہ سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے, طاقت پکڑتے ہیں, پھر وہ جس طرح تمہارے اندر چھوٹی سی مخلوق ہے نکلتی ہے اسی دنیا میں گھوم کے آ جاتی ہے, زیادہ طاقت نہیں ہے نا یہیں اسی دنیا شہر میں, پھر اس میں زیادہ طاقت ہے نا, پھر وہ حضور پاک تک تو ملکوت تک تو بیشن تک وہ گھومتی پھرتی ہے نا, پھر وہی اللہ تک پہنچتی ہے نا. اب چونکہ اس نے اللہ اللہ یہاں سیکھ لی ہوتی ہے, تم نے یہاں اللہ اللہ کرائی ہے نا,
سکتے ہو، قیامت تک اللہ کرتی رہے گی نا، یہاں تمہارا مرتبہ بلند ہوتا ہی رہے گا نا، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا ہے نا، اگر تم نے یہاں اللہ نہیں کرایا تو وہاں بھی اللہ لگنی ہے نا. سب کہتے ہیں نا حدیث میں، جو ادھر اندھے ہو ادھر بھی اندھے، جب اللہ ہوگی نا دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر محبت کی وجہ سے نمازیں بھی آ جائیں گی، تاجی بھی آ جائے گی، ہر نیک کام کرنے کا خود دل چاہے گا نا، برائی سے دل خود بچے گا نا. تب ایسے کوئی 5% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، باقی نہیں پڑھتے. جو نہیں پڑھتے تو ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جانوروں کی طرح ہے نا. چلو اگر ذہن نہیں ہے، باطن تو اللہ کر رہے ہیں نا، نام تو ہے نا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو پھر جب نماز وغیرہ بھی ساتھ کرتا ہے تو سونے پہ سو آگا، پھر اس کو منزل چل پڑتی ہے. تو یہ اسی عمر میں، یہ جو نماز ہے نا وہ بڑھاپے میں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے، جب بھی تسبیح اٹھا لے. اس کا ٹائم ہے، اس کا جوانی میں، در جوانی توبہ کر، یہ جو جوانی میں لگے نا بڑھاپے میں چیز ختم ہو جاتی ہے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، تیری ضرب کاری تیرا میری ضرب کاری. وہ جو اللہ علیہ دل نہیں کرتا وہ مخلوق کرتی ہے نا، تو 40 سال کے بعد مخلوق ختم ہو جاتی ہے، جس نے اللہ علیہ کرنا وہی ختم ہو گیا. ایک بات آپ نے کہا ہے کہ نکل کر سلطنت روما سے جس نے ہلر کیا تھا، نہ کرسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئی. جی آگے چلا گیا چھٹی. واضح نہیں ہے جان کی، واضح تصویر تمہارے پاس ہے؟ لاہور سے بھی آئے گی یہ سرکار، یہ لاہور سے جا کر آیا نا. نہیں اتنی واضح ہمارے پاس میری کمیز ہے نا،